हेलो डूड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं हूँ प्रेम और आपका स्वागत है हमारे चैनल द प्रेम फैक्ट्स में। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। दिए जबन ताते सोमन सोमन तुमरा बादाम पावन बादाम बादाम दादा का चाह बादाम। इस वीडियो को आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब में तो देखा ही होगा। ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जैसे मानो जंगल में लग गई आग। तो चलिए गाइस, जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल क्यों हो रही है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, किसने गया और क्यों। तो गाइस, ये बात है वेस्ट बंगाल में रहने वाले भुवन बद्याकर 10 साल से कच्चा बादाम यानी कि पीनट्स बेच रहे हैं। एक्चुअली ये बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका। तो इन्होंने पीनट्स बेचने के लिए एक बंगाली सॉन्ग बनाया, जिसे गाते गाते ये पीनट्स बेचते थे। एक दिन ये गाना गाते हुए पीनट्स बेच रहे थे, एक दिन एक कस्टमर ने इसकी वीडियो बना दी और यूट्यूब में अपलोड कर दी। और जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड हुआ तो इसे पब्लिक काफी पसंद करने लगी, इस वीडियो को काफी लाइक करने लगी, काफी पसंद करने लगी। हालांकि ये वीडियो सबसे पहले बांग्लादेश में वायरल हुई, जिसके बाद इंडिया के मीमीज पेज ने इस वीडियो को रिमिक्स करके इंस्टाग्राम में वायरल करना शुरू कर दिया, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ लगेगा। और फिर क्या था, भुवन जी ने सारे सोशल मीडिया में कच्चा बादाम बेचे, जिसके बाद उन्होंने एक कच्चा बादाम ऑफिशियल सॉन्ग भी बना डाला, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ साथ इनका सिंगर बनने का सपना पूरा हो गया। आई होप गाइज, आपको तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी सपना पूरा करें।